हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और ब्रेड की टेस्टी क्रंची पेटीज, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्रंची होते हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। पेटीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल लेना है। तेल गर्म होते ही इसमें जीरा डाल देना है, राई डाल देनी है, थोड़ी बारीक कटा हुआ अदरक डाल देना है और इन तीनों चीज़ों को पहले मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसमें बॉईल किया हुआ, मैश किया हुआ आलू डाल देना है। आलू को अच्छे से मैश करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें छोटे बड़े पीसेस जो रहते हैं उससे पेटीज ख़राब हो सकती हैं। तो इन आलूओं को इसमें पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। थोड़ा सा इसमें साबुत लाल मिर्च को बारीक काट लिया है मैंने, इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दी है मैंने, थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल नवरात्रि हैं। थोड़ा मैंने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं मसालों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें एक बाउल चाहिए, उसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो सेम कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ क्योंकि ये पानी हम मैदे में यूज़ करेंगे और एक पतला घोल तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी और ऐड करें क्योंकि हमें इसका थोड़ा और पतला घोल तैयार करना है। तो इसमें थोड़ा पानी मैं और डालूंगी और इसे थोड़ा और पतला करूंगी। मिला लें इसे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना पतला आपको इसका घोल तैयार करना है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब एक प्लेट हमें लेनी है और उसमें जो ब्रेड होती है ना, उसका हमने चूरा मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसे इतना बारीक बना लिया है। तो इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये सारा चूरा मैंने इसका निकाल लिया है, अब इसे भी साइड में रखते हैं। अब एक हम ब्रेड लेते हैं और उसके चारों कॉर्नर्स को चाकू की मदद से ऐसे काट लेते हैं। इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को जो मैं कट कर रही हूँ ना, इन्हीं कॉर्नर्स का मैंने ग्राइंड करके चूरा बना लिया था। ये जो इसके चारों कॉर्नर्स हैं, इसको ग्राइंड कर लें और चूरा बना लें। अब एक बेलन की मदद से इसको स्प्रेड कर लें इस तरीके से पतला पतला। अब इसके चारों कॉर्नर्स में पानी लगा लें ताकि इनको चिपकाने में आसानी हो, इस तरीके से। अब मैं इसके बीच में स्टफिंग डाल देती हूँ। अब इसकी स्टफिंग को इस तरीके से सेट करना है कि ये इजीली तिकोना तरीके से फोल्ड हो जाए। इस तरह हल्का हल्का इसको स्प्रेड करें और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसको ऐसे फोल्ड करना है। स्टफिंग अगर बाहर निकलती है तो उसको उसी वक्त निकाल दें, वरना फ्राई करते वक्त ये खुल जाएंगे। तो इसको ऐसे चिपका लें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा पानी और लगा लें, लेकिन इसको अच्छे से पूरा सील कर दें ताकि स्टफिंग बिल्कुल बाहर ना निकले, इस तरीके से। बाकी सबको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है जैसे मैंने ये किए हैं। अब इनको एक तरफ रखते हैं। अब हमने जो मैदे का एक घोल तैयार किया था उसमें इस पेटीज को ऐसे डिप करना है थोड़ा सा, और जो ब्रेड का चूरा था वो ऊपर से ऐसे लगा देना है। आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस मैदे के घोल में इस पेटीज को डिप करेंगे तो तुरंत की तुरंत आपको इसको निकाल लेना है, वरना जो ब्रेड है वो सॉफ्ट होकर टूटने लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। फटाफट से इसको इस ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप कर लें, अच्छे से छिड़क लें इसके ऊपर से और इसे साइड में रखते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और एक एक करके इसमें पेटीज डाल देते हैं। ज़्यादा आपको पेटीज़ नहीं डालनी, एक के ऊपर एक नहीं रखनी है। जितना आप थोड़ा स्पेस देंगे उतना पेटीज़ अच्छे से फ्राई हो सकेंगी। इसके ऊपर भी ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये ऊपर से भी फ्राई होने लगे। एक तरफ से जब पेटीज़ अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसके बाद ही उसे पलटें। तो एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं अंदर तक। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं, इसका सारा ऑयल निकाल लें इस तरीके से। पेटीज़ का सेकंड बैच भी इसी तरीके से फ्राई करना है। तो दो दो पेटीज़ करके मैं इनमें डाल रही हूँ ताकि इनको पलटने में आसानी हो और फ्राई इजीली हो सके। अब सेम पहले की तरह इनको ब्राउन कलर आने पे निकाल लेना है। ऑयल को अच्छे से निकाल लें वरना पेटीज़ क्रंची नहीं बनेंगी। अब चलिए इनको सर्व करते हैं।
इन पेटीज को आप लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में ये पेटीज बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी होती हैं और इनकी स्टफिंग के दौरान हमने जो इनका मसाला तैयार किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप इन्हें बना सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।